हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 देखने के पहले आप लोग सबसे पहले वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, और आप इस वीडियो को पॉज करके आप लोग वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज हम लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे, चैप्टर 10, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। एनिमल्स ऑल्सो हैव द राइट टू लिव। जानवरों को भी अपना अधिकार है जीवित रहने के लिए, मतलब रहने के लिए। वी मस्ट कीप आवर वाटर बॉडीज क्लीन। हम लोग को अपने वाटर जो बॉडीज होते हैं उसको क्लीन रखना चाहिए। वाटर बॉडीज मतलब होता है जैसे कि जहाँ भी पानी स्टोर रहता है, जैसे पॉन्ड हो गया, सी हो गया, ये सब वाटर बॉडीज होते हैं, या फिर ड्रेन हो गया, कुछ भी हम लोग को क्लीन रखना चाहिए। कोई भी डस्ट पार्टिकल हमको उसमें नहीं फेंकना चाहिए और उसे गंदा नहीं करना चाहिए। वंस देयर वाज अ बिग पूल नियर अ विलेज। एक बार की बात है, एक बड़ा सा पूल था एक विलेज के पास। द विलेजर्स यूज द वाटर ऑफ द पूल फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर अदर पर्पसेस आल्सो। विलेजर उस पानी को यूज करते थे, पूल के पानी को पीने के लिए और दूसरे उद्देश्य। द पूल वॉज अबंडेंट विद स्मॉल फिश। पूल स्मॉल फिश से भरा हुआ था, पूर्ण था। वंस ए फिशरमैन वेंट फिशिंग टू द पूल। एक बार एक मछुआरा जाता है फिशिंग करने के लिए पूल में। फिशिंग मतलब मछली पकड़ने जाता है। द फिशरमैन वॉज वेरी ग्रीडी। फिशरमैन मछुआरा बहुत ही लालची था। He wanted to catch all the fish. वो चाहता था कि वो सारी मछलियाँ को पकड़ ले। He cast his net into the pool and sat down. वो अपने जो जाल था उसको पूल में फेंकता है, बिछाता है पूरे पूल में, and sat down और बैठ जाता है। But he became impatient soon. मगर वह बहुत ही जल्दी impatient हो जाता है। इम्पेशेंट हो जाता है मतलब बेताब हो जाता है कि अभी तक नहीं हुआ, जल्दी करो जल्दी करो। सो ही टाइड अ लॉन्ग स्ट्रिंग टू अ स्मॉल स्टोन। इसलिए वह एक लॉन्ग थ्रेड, मतलब लॉन्ग स्ट्रिंग मतलब थ्रेड, एक लंबे से धागा या रस्सी में एक छोटा सा स्टोन बांधता है। देन पुटिंग इट इनटू द पूल, उसके बाद उसको पूल में डालता है। ही बिगन टू स्टीर द वाटर टू ड्राइव मोर फिश इन टू द नेट। वो पानी में उस स्टोन को हिलाता है कि फिश जो है वो जाल की तरफ जाकर फंस जाए। अ विलेजर सा हिम डू सो एंड आस्क्ड हिम नॉट टू मेक द वाटर मडी। एक गांव वाला देखता है इसको और बोलता है कि जो वाटर है उसको मड्डी मत करो, मतलब कीचड़ जैसा मत करो। अगर किसी पानी के नीचे मिट्टी होता है, अगर हम उसको हिलाएंगे, स्टिर करेंगे, मतलब हिलाएंगे या घुमाएंगे, उसमें हलचल करेंगे, तो वो क्या होगा, मड्डी हो जाएगा, मतलब गंदा हो जाएगा। बट द फिशरमैन डिड नॉट लिसन टू हिम एंड वेंट ऑन बीटिंग द वाटर एंड मेकिंग इट डर्टी। मगर फिशरमैन मतलब जो मछुआरा, वो नहीं सुनता है उसकी बात को, और वो क्या करता है, पानी को हिलाना छपकाना वो शुरू रखता है और उसको गंदा करते जाता है। सो द विलेजर ब्रॉट सम कंपेनियंस आर्म्ड विद वेपन्स। इसलिए विलेजर गांव वाला क्या करता है, कुछ कुछ अपने साथी को, संगी को बुलाकर लाता है, आर्म के साथ कुछ औजार के साथ बुलाकर लाता है। Seeing them, उसको देखकर the fisherman got scared. उसको देखकर fisherman डर जाता है। He drew out his stone and apologized. वो अपना जो stone था उसको बाहर निकाल लेता है और माफी मांगता है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से read कीजिएगा और understand कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। Bye bye, have a wonderful day. Thank you so much.